हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनवी स्टडी रूम। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है एक वर्क का वर्कशीट है जिसमें 10 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं और ऊपर ब्रैकेट में इज एम आर द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, तो ये यहाँ पे लिखे हुए हैं और 10 नीचे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे हम लोगों को इज एम और आर फिट करना है कि कौन सी जगह पे इज आएगा, कहाँ पे एम आएगा, कहाँ पे आर आएगा। तो आई होप इस चैनल पे हम लोगों ने ऑलरेडी टेंसेस का वीडियो बनाया है। आई होप आप सबने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं वो वीडियो यहाँ पे टैग कर दूंगी, आप प्लीज वो वीडियो देखिए और उसके बाद ही ये जो वर्कशीट है वो सॉल्व कीजिए। अदरवाइज आपको ये इज एम आर, ये जो वर्ब्स है वो कहाँ फिट करने हैं उसका आइडिया नहीं होगा, क्योंकि उसके कुछ रूल्स है, कुछ ग्रामर है, कुछ बेसिक्स है, वो अगर क्लियर होंगे तो ही आपको ये वाला वर्कशीट सॉल्व करने के लिए आएगा। सो द फर्स्ट वन इज शी डैश ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे ये तीन में से क्या आएगा, इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा? शी डैश ब्यूटीफुल। तो हमको ये पता है शी, शी मीन्स थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे इज। इसके सामने हम लोग एम नहीं लिखेंगे, आर नहीं लिखेंगे, इसके सामने हम लोग लिखेंगे इज, बिकॉज शी इज द प्रोनाउन एंड इट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये हमें पता है इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं इज। उसके बाद है दे, दे इज प्लेइंग और दे एम प्लेइंग और दे आर प्लेइंग, तो इसका आंसर आप लोगों को पता है, यहाँ पे आंसर आएगा दे आर प्लेइंग। उसके बाद है ही डैश अ गुड बॉय। जैसे शी हम लोगों ने देखा कि शी इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर, द सेम वे ही इज ऑल्सो थर्ड पर्सन सिंगुलर, दैट इज वाई वी विल अप्लाई इज आफ्टर ही। सो ही इज अ गुड बॉय। उसके बाद है आई डैश वेरी हैप्पी। तो आई के बाद क्या आएगा, आई एम वेरी हैप्पी। उसके बाद है माई नेम आर राहुल, माई नेम एम राहुल और माई नेम इज राहुल, सो हियर माई नेम इज राहुल। उसके बाद है वी डैश फ्रेंड्स। तो यहाँ पे भी वी के बाद आएगा वी आर फ्रेंड्स, बिकॉज वी इज प्लूरल, वी मीन्स हम सब लोग, तो इसीलिए वी के सामने आएगा आर। उसके बाद है आई एम लेट, आई एम लेट, देन इट इज कोल्ड, इट के बाद आएगा इज, इट इज कोल्ड। उसके बाद फिर से है यू डैश नाइस। तो देखो पहले हम लोगों ने यू के सामने क्या लिखा, सो यू तो हमारे पास पहले नहीं आया है, तो यू के सामने हम लोग क्या लिखेंगे, यू आर नाइस, यू आर नाइस, ही डैश स्मार्टर देन यू, सो ही इज smarter than you। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये जो 10 sentences है इसमें ये जो verbs है is, am, are इनको fit किया है, और इसको अच्छे से समझने के लिए आप फिर से एक बार tenses का video देखें, और ऐसे ही कुछ question अगर आपको पता है तो वो comment कीजिए, उसके answer हम लोग ढूंढेंगे।